आग यानी फायर दुनिया की मोहलक तरीन, खौफनाक तरीन चीज है। ये पत्थरों और धातुओं तक को पिघला देती है, लेकिन पानी इस खौफनाक तरीन, इस मोहलक तरीन चीज को चंद लम्हों में फना कर देता है। चुनाचे तगड़ा कौन हुआ, मजबूत कौन हुआ, आग या पानी? यकीनन पानी। दुनिया में पानी के इस्तेमाल के 1000 तरीके हैं, और इन 1000 तरीकों में एक तरीका है भाप। भाप से स्टीम इंजन चलता है, और एक स्टीम इंजन ट्रेन के कम से कम 400 डिब्बे खींचता है, और इन डिब्बों में मजमूई तौर पर हजारों टन वजन होता है। गोया पानी की स्टीम हजारों टन वजन खींच लेती है। खलाई शटल जमीन से 384,000 किलोमीटर दूर चांद और 55 मिलियन किलोमीटर दूर मरीख तक चली जाती है। शटल को यह फोर्स कौन देती है? शटल को यह फोर्स शुरू में स्टीम देती है, भाप प्रेशर बनाती है, और शटल इस प्रेशर से फिजा से खला में दाखिल हो जाती है। आप मुलाहिजा कीजिए भाप कितनी अहम और कितनी फोर्सफुल होती है। लेकिन सवाल यह है, भाप बनती कैसे है? भाप बनाने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। आप पानी को धात के बर्तन में डालें और गर्म करना शुरू करते हैं। यह 211 फारेनहाइट तक सिर्फ गर्म होगा, लेकिन यह जो ही 212 डिग्री तक पहुंचेगा, यह उबलना शुरू कर देगा, और इस उबाल के साथ ही इससे भाप निकलना शुरू हो जाएंगे। आप ये भाप किसी पाइप, किसी टर्बाइन में डालना शुरू करते हैं, यह टर्बाइन एनर्जी और पाइप शटल बन जाएगा। गोया हीट की सिर्फ 1 डिग्री यानी 211 फारेनहाइट से 212 फारेनहाइट आम से पानी का मुकद्दर बदल देती है। यह कीचड़ से शटल बन जाता है। लेकिन सवाल यह, क्या सारे पानी 212 डिग्री पर उबलना शुरू कर देते हैं? जी नहीं, मुख्तलिफ पानियों का बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होता है। अगर पानी की बुलंदी 500 फीट हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 211 फारेनहाइट, अगर बुलंदी 1000 फुट हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट 210 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा, और अगर पानी की ऊंचाई 1500 फीट हो जाए तो यह 209 पर पहुंचकर स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल माइंड चेंजर बाय जावेद चौधरी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर सुर्ख रंग का एक निशान नजर आ रहा है, आप इसे भी टच कर दें, और आपके कोने में ये घंटी का ये जो निशान नजर आ रहा है आप इसे भी प्रेस कर दें। आपको हमारी वीडियोस मुसलसल मिलती रहेंगी, और मेरा दावा है इंशाल्लाह ये चैनल आपका माइंड चेंज कर देगा। मैं वापस अपनी कहानी की तरफ आता हूं। हम अगर फर्ज कर लें हम इंसान भी पानी है, और हमारा कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट है, और उस बॉइलिंग पॉइंट का नाम कामयाबी है। वो कामयाबी जिसकी तलाश में हम मारे मारे फिर रहे हैं, तो सवाल पैदा होता है हम फिर कब कामयाब होंगे, हमारा बॉइलिंग पॉइंट फिर कब आएगा? हम में से कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि कुदरत ने हम में से हर शख्स की कामयाबी का एक बॉइलिंग पॉइंट रखा है, और यह बॉइलिंग पॉइंट दूसरों से मुख्तलिफ होता है। हम अगर बॉइलिंग पॉइंट्स को हीट की डिग्री समझ लें और हर 10 डिग्रियां 1 साल के बराबर हों, तो हो सकता है मेरे साथ खड़ा शख्स सिर्फ 3 साल यानी 30 डिग्री पर स्टीम बनना शुरू करता है। मैं 5 साल में कामयाब हूं और यह तीसरा शख्स 10 साल यानी 100 डिग्री पर जाकर उबलना शुरू करता है। हम सब मुख्तलिफ पानी हैं, हम सब का बॉइलिंग पॉइंट भी मुख्तलिफ है, क्योंकि हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके गलती करते हैं। आप अपनी कामयाबी को कभी दूसरों की कामयाबी से मिलाकर ना देखें। हम हो सकता है जिसको देखकर कुड़ रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हमसे कम हो, और उसने हमारे मुकाबले में दूर भी ना जाना हो, वो उबलकर सिर्फ चाय का एक कप बने, जबकि कुदरत ने हमें देर तक पकाकर मरीख पहुंचाना हो। जी हां, कुदरत हमें देर तक पकाकर मरीख पहुंचाना चाह रही हो, हमें बहुत दूर ले जाना चाहती हो। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, ये कितना खूबसूरत है और मैं कितना शादोला का चूहा हूं, इसके पास मोटरसाइकिल है और मैं सड़कों पर जूते घिसा रहा हूं, ये तीसरी पोजीशन लेकर कामयाब हो गया और मैं 18वें नंबर पर हूं, इसकी बीवी इसका बच्चा कितना खूबसूरत है, जबकि मेरे नसीब में बंदर के ये बच्चे और ये चुड़ैल लिखी थी।
इसका 2 साल में प्रमोशन हो गया और मैं यहाँ 6 साल से झक मार रहा हूँ और इसका प्राइस बॉन्ड निकल आया और इधर हमारा सोना भी नहीं बिकता। हम रोज अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे और दूसरों के बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है। ये चाय के कप में जल्दी भाप बन रहे हैं जबकि हम मिसाइल, हम शीतल हैं। जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो हम इस कायनात की हदों ही से बाहर निकल जाएंगे। हम अपने चांद पर लैंड करेंगे, अपने चांद पे, अपने मरीख पे, अपने स्टार्स पे लैंड करेंगे हम। चुनांचे मेरे दोस्तों, अपने आप को हीट देते रहो, मेहनत करते रहो, किसी ना किसी दिन तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी जरूर आएगा। तुम भी इंजन बनोगे, तुम भी 100-100 डिब्बे खींचोगे, बस 1 डिग्री का फर्क है। हो सकता है तुम 211 डिग्री फारेनहाइट पर खड़े हो, बस 1 डिग्री मजीद आगे बढ़ने की देर है और तुम भी शटल की तरह हवाओं में उड़ जाओ। तुम अपने से आगे निकलने वाले तमाम लोगों को चंद मिनटों में पीछे छोड़ जाओ, इन सब से आगे निकल जाओ। सिर्फ 1 डिग्री, 1 डिग्री का इंतजार करना है और उसके बाद देखो कामयाबी तुम्हारी। 1 सीढ़ी और चढ़नी है और वो सीढ़ी तुम्हें कामयाबी के दरवाजे तक ले जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है ये 1 वीडियो आपके दोस्तों का मुकद्दर बदल दे।